C++ में Abstract Class और Pure Virtual Function के Spoken Tutorial में आपका स्वागत है। इस Tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे Abstract Classes, Pure Virtual Function। हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे। इस Tutorial को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu OS Version 11.10, G++ Compiler Version 4.6.1। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास के परिचय के साथ शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा बेस क्लास होती है। इसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन देखते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन बिना बॉडी का एक फंक्शन है। यह बेस क्लास में परिभाषित नहीं होता है। यह इस प्रकार परिभाषित होता है, वर्चुअल वॉइड वर्चुअल फंक्शन नेम इज इक्वल टू 0। डिराइव्ड क्लास को फंक्शन को ओवरराइड करना ही होगा, नहीं तो कंपाइलर एक एरर देगा। फंक्शन को कार्यान्वित करना डिराइव्ड क्लास पर निर्भर करता है। अब एक उदाहरण देखते हैं। मैंने पहले ही एडिटर पर कोड टाइप कर लिया है, मैं इसे खोलूंगी। ध्यान दें, हमारा फाइल नेम abstract.cpp है। इस उदाहरण में दो नंबर्स का एडिशन और सबट्रैक्शन है। अब पूरे कोड को समझते हैं। यह IOStream हमारी हेडर फाइल है। यहाँ मैं std namespace उपयोग कर रही हूँ। यह abstract interface नामक क्लास के लिए घोषणा है। फिर हमारे पास public specifier है। इसमें हमने numbers नामक virtual function घोषित किया है। यह 0 से initialize होता है। फिर हमारे पास एक non-virtual function है और a एवं b दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं। यहाँ हम इनपुट फंक्शन एक्सेस करते हैं। इसमें हम नंबर्स a और b को स्वीकार करते हैं। यह add नामक एक डिराइव्ड क्लास है। यह बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। यहाँ हम फंक्शन नंबर्स को ओवरराइड करते हैं। इसमें हम दो नंबर्स का एडिशन क्रियान्वित करते हैं और परिणाम को इंटीजर वेरिएबल सम में संचित करते हैं। फिर हम परिणाम प्रिंट करते हैं। यहाँ हमारे पास एक अन्य डिराइव्ड क्लास सब है। यह बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है। इसमें दोबारा हम फंक्शन नंबर्स को ओवरराइड करते हैं और यहाँ हम दो नंबर्स ए और बी के डिफरेंस की गणना करते हैं। फिर हम डिफरेंस प्रिंट करते हैं। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हम क्लास एड का एक ऑब्जेक्ट obj1 बनाते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट obj1 उपयोग करके इनपुट और नंबर्स दोनों फंक्शंस को कॉल करते हैं। फिर हम क्लास सब का एक ऑब्जेक्ट obj2 बनाते हैं। फिर से हम ऑब्जेक्ट obj2 उपयोग करके दो फंक्शंस को कॉल करते हैं और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल ऑल्ट और टी कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए G++ स्पेस abstract.cpp स्पेस -o स्पेस abs एंटर दबाएं। टाइप करें /abs एंटर दबाएं। यह इस प्रकार प्रदर्शित होता है। एंटर द नंबर्स। मैं 9 और 4 एंटर करूंगी। आउटपुट प्रदर्शित होता है, सम इज 13। हम दोबारा देखते हैं। एंटर द नंबर्स। मैं 8 और 3 एंटर करूंगी। आउटपुट प्रदर्शित होता है, डिफरेंस इज 5। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उदाहरण क्लास एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, प्योर वर्चुअल फंक्शन, उदाहरण वर्चुअल वॉइड नंबर्स इज इक्वल टू 0। एक नियत कार्य में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट बनाएं, प्योर वर्चुअल फंक्शन इन्फो बनाएं, फंक्शन में स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर स्वीकार करें, दो डिराइव्ड क्लास मार्क्स और स्पोर्ट्स बनाएं, मार्क्स में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्वीकार करें, स्पोर्ट्स में स्कोर किए हुए मार्क्स एंटर करें, टोटल मार्क्स की गणना करें। फिर एक अन्य डिराइव्ड क्लास रिजल्ट बनाएं, इसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और टोटल मार्क्स प्रदर्शित करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।